हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कमेंट। एक कमेंट करना एक स्टेटमेंट है, जो कि क्लोजिंग द सेल इज नॉट द एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वीडियो इसको पूरा देखिएगा। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है देन। सो क्लोजिंग द सेल इज नॉट द एंड ऑफ अ सेल्स पर्सन और कस्टमर्स इंटरेक्शन। तो सेल करने के बाद, जब आपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, यहाँ पे जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि सेल करने के बाद भी आपका जो काम है वो खत्म नहीं होता है। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लोजिंग द सेल इज नॉट द एंड ऑफ सेल्स पर्सन और कस्टमर इंटरेक्शन। यहाँ पे आपका इंटरेक्शन खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन देम, विच इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप विच इज नोन एज रिलेशनशिप मार्केटिंग, है ना। तो ये एक तरीके से एंड नहीं बल्कि एक शुरुआत होती है, जिसमें आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। आपकी कंपनी मतलब क्रिएट करती है एक रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ में, जिसे हम रिलेशनशिप मार्केटिंग के तहत उसको और आगे लेकर के जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है चीजों को दोबारा से बाय करते हैं या दोबारा से उसको समझते हैं। ठीक है ना। तो जब चीजों को उनको बेहतर समझ में आने लगती है, जब चीजें अच्छी होती हैं, जब प्रोडक्ट आपका अच्छा होता है, तो वो चीजों को और भी बाय करते हैं। सो आफ्टर द परचेज इट इज वेरी नेचुरल एंड वेरी ह्यूमन फॉर कस्टमर्स टू सफर पोस्ट परचेज एंग्जाइटी अबाउट द विजडम ऑफ देयर परचेज डिसीजन, है ना। तो जब भी आप परचेज करोगे ना, तो ये बहुत ही नेचुरल और वेरी ह्यूमन थिंग है कि कस्टमर के अंदर में परचेज करने के बाद जो है एक तरह की एंग्जाइटी आती है या फिर एक विजडम आता है अपने परचेज डिसीजन को लेकर के, कि उनका परचेज डिसीजन में भी शायद सही नहीं है या कुछ उसमें गड़बड़ हुई है। जैसे कि मैंने आज कुछ दिन पहले एक पॉलिसी ली, तो उस पॉलिसी को लेने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था कि पता नहीं पॉलिसी को लेना मेरे लिए सही था या नहीं था। बट उसके बाद मैंने काफी सारी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मेरा पॉलिसी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आफ्टर सेल आपका जो काम है वो शुरू होता है एक्चुअली, कि आप एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सको। जिससे भी मैंने ली है वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाएगा मेरे अंदर अगर किसी भी तरह की डाउट होगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ह्यूमन है कि आपके अंदर एंग्जाइटी हो। तो फॉलो अप कॉल्स फ्रॉम सेल्स पर्सन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलिवेटिंग द एंग्जाइटी एंड रीअश्योरेंस द कस्टमर्स ऑफ देयर डिसीजन, है ना। तो जो भी सेल्स पर्सन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि वो आपकी एंग्जाइटी को दूर करने की कोशिश करता है, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके डिसीजंस को जो एक तरीके से बताता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है, आपकी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो डिसीजंस हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से सेल्स पर्सन की ये जो है वो उसको एश्योरेंस दी जाती है बाय द सेल्स पर्सन, है ना, उस व्यक्ति को। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। एलिवेटिंग दिस एंग्जाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एन अनसेटिस्फाइड कस्टमर में बैड माउथ इट टू द अदर प्रोस्पेक्ट्स एंड टार्निश कंपनीज इमेज, है ना। तो इस तरह की चीजें अगर आप अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होगी, राइट, अगर आप एलिवेट नहीं करोगे चीजों और चीजों को अगर आप ठीक तरीके से सॉल्व नहीं करोगे और कस्टमर अगर अनसेटिस्फाइड हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बैड माउथिंग करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बातें करेगा और आपकी कंपनी के इमेज को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो रिसर्च प्रूव दैट द अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स विल कंप्लेन मोर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अदर प्रोस्पेक्ट्स देन अ सेटिस्फाइड कस्टमर्स स्प्रेडिंग, है ना। तो रिसर्च ये बताता है कि जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो ज्यादा चीजों को इन्फ्लुएंस करता है सेटिस्फाइड कस्टमर के मुकाबले, समझ रहे हो। मतलब मैं अगर बैड माउथिंग स्टार्ट कर दूं तो इसका असर कंपनी के इमेज के ऊपर पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी कंपनी के अगर कोई व्यक्ति कंपनी के बारे में अच्छी बातें कर रहा है तो वो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन बुरी चीजें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। सो मोर ओवर इट इज इजी टू सेल टू अ करंट हैप्पी कस्टमर देन लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोस्पेक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो करंट जो आपके आपका कस्टमर है उसको आप चीजें सेटिस्फाई कर दो, उसको आप चीजें बताते रहो, ताकि उसको जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सो सेल्स पर्सन शुड ऑलवेज कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एंड इफ सेल्स पर्सन हैव एनी प्रॉब्लम इवन आफ्टर द परचेज रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। तो इसीलिए सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कम्युनिकेशन को ओपन रखे अपने बायर के साथ, ताकि उसको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का अगर उसको दिक्कत हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको, ताकि उसको जो है एक सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि वो बैड माउथिंग ना करे,
ठीक है ना. सो मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट इवन आफ्टर क्लोजिंग द सेल मेक इट इजी फॉर द सेल्स पर्सन टू प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लेटर. तो अगर आपने ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया, अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक अच्छे तरह से तैयार हो गया, तो आप बाद में जाकर के कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट अगर नहीं भी है, तो आप उनको पिच कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को बाय कर ले. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें अपने रिलेशनशिप को अपने कस्टमर के साथ. द कंसेप्ट ऑफ टीम सेलिंग शुड कंटिन्यू इन द फॉलो अप स्टेज एज वेल, है ना. तो टीम सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉलो अप स्टेज में भी. सो दिस इज द टॉपिक इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लोजिंग द सेल इज नॉट द एंड. और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. छोटा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अपने वीडियो में. अपना ख्याल रखिए. अगले क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. थैंक यू.